Beloved brothers and sisters, I greet each one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करती हूँ. We are starting a new month. हम एक नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं. November 2018. नवंबर सन 2018. In this month, we have many days to celebrate. इस महीने में हमारे पास बहुत से दिन हैं कि हम उत्सव मनाएं. November 1st. We remember all the saints of God. नवंबर 1 तारीख को हम परमेश्वर के सारे संतों को स्मरण करते हैं. The same way, November 2nd also we remember all our loved ones who passed away from this world. साथ साथ में नवंबर 2 तारीख के दिन इस संसार से जितने भी हमारे प्रियजन थे संत. And November 14th is a great day. उसे हम स्मरण करते हैं. 14 नवंबर महान दिन है. That's called Children's Day. जिसे बाल दिवस कहते हैं. All these 3 days are very very important days, isn't it? और ये तीनों दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है. Not only that. और केवल इतना ही Every day is very important in our lives. हर एक दिन हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है. So God is going to bless us with a crown of glory the whole of this month. और इसलिए इस पूरे महीने परमेश्वर हमें महिमा के मुकुट के साथ आशीष देगा. If you read 1 Peter chapter 5 verse 4. अगर आप पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 4 पढ़ते हैं. What do we read over there? तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? And when the chief shepherd shall appear, you shall receive a crown of glory that will not fade. जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं. My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, we are going to meditate about this only. हम इसी के बारे में मनन करेंगे. We are going to receive from the Lord the whole of this month a crown of glory. हम इस पूरे महीने में अपने परमेश्वर की ओर से महिमा का मुकुट पाएंगे. There are so many crowns mentioned in the Bible. बाइबल में बहुत से मुकुट के बारे में बताया गया है. If you read Leviticus 8:9, अगर आप लेविवस्था अध्याय 8 वचन 9 पढ़ते हैं, it mentions the holy crown. Moses gave this crown to Aaron. और ये तो पवित्र मुकुट के बारे में कहता है, और मूसा ने ये मुकुट हारून को दिया था. And Esther 1 says, और एस्तर 1 कहता है, about the royal crown which Queen Esther was wearing. जिसे रानी एस्तर पहन रही थी. And Psalm 21:3 says. और भजन संहिता 21:3 कहता है. Again about a crown of glory. ये फिर से महिमा के मुकुट के बारे में कहता है. Who will get all these blessings? किसे ये सारी आशीष मिलेगी? This is for you. ये तो आपके लिए है. The Lord has said it. परमेश्वर ने इसे कहा है. And He will fulfill it. और वो इसे पूरा करेगा. But how to get it? लेकिन उसे कैसे पाए? You have to live a righteous life. आपको धार्मिकता का जीवन जीना है. धार्मिकता का जीवन. The Lord will be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा. And you will be blessed with all these things. और आप इन सारी बातों के द्वारा आशीष पाएंगे. Especially with a crown of glory. खास करके महिमा के मुकुट से. And who will give this to you? और आपको ये कौन देगा? It will be given by the chief shepherd. और ये तो मुख्य जो चरवाहा है वो इसे देगा. David writes in Psalm 23 verse 1. भजन संहिता 23 वचन 1 में दाऊद इस तरह से लिखता है. You should read that verse like this. तो आपको इस वचन को इस तरह से पढ़ना है. Should not read it, the Lord is my shepherd, I shall not want. आप ऐसे मत पढ़िए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. But you must feel that. आपको इसे महसूस करना है. The Lord is My shepherd. कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा. My shepherd. वो मेरा चरवाहा है. You must accept him as your savior. आपको उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार करना है. That's why he gave his life on the cross. और इसीलिए उसने क्रूस पर अपना जीवन दे दिया. When we look to the cross, जब हम क्रूस की ओर देखते हैं, he gladly forgives all our sins. वो बड़ी खुशी से हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है. And gives every one of us salvation experience. और हम में से हर एक व्यक्ति को वो उद्धार का अनुभव देता है. When your sins are forgiven, जब आपके पाप क्षमा कर दिए जाते हैं, you can call him as father. तो वो अपने निश्चय पिता का आदर करते हैं. Also as my shepherd. और वो कहता है मेरा चरवा है. What will this shepherd do to you? तो ये जो चरवा है ये आपके लिए क्या करता है? John 10:11 says. यूहन्ना अध्याय 10 वचन 11 कहता है. Jesus says. यीशु ने कहा. I am the good shepherd. भला चरवा अच्छा चरवा मैं हूँ. The good shepherd gives his life for the sheep. और जो भला चरवा है अच्छा चरवा है तो अपनी भेड़ के लिए अपनी जान दे देता है. How he will guide us as a shepherd. और एक चरवाहे के रूप में वो कैसे हमारी अगुवाई करेगा? If you read Isaiah chapter 58 verse 11, अगर आप यशया अध्याय 58 वचन 11 पढ़ते हैं, it says like this, ये इस तरह से कहता है, The Lord shall satisfy your soul in drought, you shall be like a watered garden.
और यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों का हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी के जैसे होगा। Your life will be always fruitful. आपका जीवन हमेशा फलवंत होगा। A great blessing to you and to other people. और ये तो आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए महान आशीष होगा। But you have to follow his ways daily. लेकिन प्रतिदिन आपको उसके मार्गों पर चलना है। How to have this crown of glory? ये महिमा का मुकुट हम कैसे पाएं? Daily you have to walk in the ways of the Lord. प्रतिदिन आपको परमेश्वर के मार्ग में चलना है। You have to live a pleasing life before him. आपको परमेश्वर के सामने उसे प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। And if you do that, अगर आप इसे करते हैं, how God will help you? तो परमेश्वर आपकी कैसे मदद If you read Psalm 32:8, हम भजन से तब 32:8 में पढ़ते हैं। He will guide us every step we take. He'll guide us. और हर एक कदम जो हम उठाते हैं उसमें वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। Isaiah 30:21 says. यशायाह अध्याय 30:21 कहता है। He will tell you. वो आपको बताएगा। Stella. कहेगा स्टेला। This is the way. यही तो मार्ग है। This is the way. यही तो मार्ग है। You have to walk in this way. तुम्हें इस मार्ग में चलना है। What a beautiful guidance the Lord will give you. Oh, कितना अद्भुत मार्गदर्शन परमेश्वर देगा। All the saints of God will experience this great path. परमेश्वर के सभी जो संत है वो इस महान इस मार्ग का आनंद उठाएंगे, अनुभव करेंगे। Before you. वो आपके आगे आगे चलेंगे। And he'll be behind you, protecting you. और वो आपके पीछे रहेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। Isaiah 52:12 says like that. यशायाह अध्याय 52:12 ऐसे ही कहता है। And Psalm 138:8 also says. और भजन संहिता 138:8 ये कहता है। The Lord will do everything for you. कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करेगा। Just clinging on to God, you have to do. बस परमेश्वर को थामे रहना और वो आपके लिए सब कुछ करेगा। Everything will be done by the Lord. और बस सब कुछ परमेश्वर कर लेगा। And he'll go before you. और वो आपके आगे आगे चलेगा। Do everything for you. आपके लिए सब कुछ करेगा। And when you are crying. और जब आप रोते हैं। When you are suffering in your heart. जब आप अपने दिल में दुख उठाते हैं। Who will help me? तो कौन मेरी मदद करेगा? I have nobody to comfort me. कोई मेरी तसल्ली देने के लिए नहीं। Isaiah 66:13 says. यशायाह अध्याय 66:13 कहता है। He will comfort you as a mother would comfort her little child. जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को तसल्ली देती है, वैसे वो आपको तसल्ली देगा। And also the verse 4 says. और साथ ही वचन 4 ये कहता है। When you go through the valley of tears, valley of death. जब तुम उस मृत्यु की आँखों जो आँसुओं की तराई है उसमें से होकर जाते हो। He will protect you. तो वो आपकी रक्षा करेगा। His love will be enough for you. उसका प्रेम आपके लिए पर्याप्त होगा। Oh, I have gone through this path. और मैं इस मार्ग में से होकर गया। I lost my daughter. और मेरी बेटी चली गई। I was crying and crying and crying. Along with my family. मैं तो ऐसे रो रही थी, अपने पूरे परिवार के साथ रो रही थी। But one day the Lord came. लेकिन एक दिन प्रभु आया। We were praying as a family. हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं। Our hearts were broken. हमारे दिल टूट चुके थे। But that time. लेकिन उस समय। Suddenly. अचानक। All the four of us. were filled with the joy of the Holy Spirit. हम चारों के चारों पवित्र आत्मा के आनंद से भर गए। We never knew from where the joy came. हमें पता नहीं कि ये आनंद कहाँ से आया। It was from the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा की ओर से। Through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। We are filled with the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा से भर गए। That's why you should receive the Holy Spirit. और इसलिए आपको पवित्र आत्मा पाना होगा। As a family. एक परिवार के As रूप a family. में। परिवार के रूप receive में। The power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य। When you are crying. जब आप पुकारते हैं। You will be strengthened in your spirit. जब आप रोते हैं तो आत्मा में बल पाएंगे। All your tears will be gone forever. और आपके आंसू जो है सदा के लिए चले जाएंगे। Yes, my beloved brothers and sisters. हाँ, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। As we are rejoicing in the presence of God. जैसे हम परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहे थे। The Lord strengthened our lives. परमेश्वर ने हमारे जीवन को बल दिया। And he said, you go on now starting doing my ministry. और उसने कहा तुम अभी जाओ और मेरी सेवकाई शुरू करो। From that day we started to do his ministry. और उस दिन से हमने उसकी सेवा करना शुरू कर दिया। Making other people come out of all the problem, all the tears. कि दूसरे लोगों को हम उनकी सारी समस्याओं से, उनके सारे आंसू में से बाहर निकाल कर लेकर आए। What a great God we have. हमारा परमेश्वर कितना महान है। Are you going through the valley of tears? क्या आप आंसुओं की तराई में से जा रहे हैं? Come unto the Lord. तो प्रभु के पास में आइए। He is a good shepherd. वो एक अच्छा चरवाहा है। He'll wipe away all your tears. वो आपके सारे आंसू पोंछ देगा। Until now. अभी तक।
The Lord is strengthening me every day. परमेश्वर हर एक दिन मुझे बल देते आ रहा है. That's why I'm so happy. और इसलिए मैं इतनी खुश हूँ. I'm doing God's work in the 80th year of mine. मैं अपने जीवन के 80 साल में परमेश्वर का काम कर रही हूँ. What a good God we have. हमारा परमेश्वर कितना अच्छा. He'll remove all your tears. वो आपके सारे आंसू पोछेगा. And He'll protect you from all your enemies. और वो सारे शत्रु से आपकी सुरक्षा करेगा. Then you are filled with the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं. And all the days of your life, He will fill you with His goodness and mercy. आपके पूरे जीवन भर वो आपको अपनी भलाई से, अपनी दया से भर कर रखेगा. Hallelujah. Hallelujah. This whole psalm is so beautiful. ये पूरा जो भजन है ये तो बहुत ही सुंदर है. When you have the Shepherd Jesus Christ with you and in you, your whole life will be transformed. और जब वो चरवाहा यीशु मसीह आपके साथ में और आपके जीवन में, तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा. Especially this whole month, you will be blessed daily. और प्रति खास करके इस पूरे महीने आप हर एक दिन आशीष पाएंगे. Cling on to him tightly. आप कसकर उसे थामे रहिए. Cling on to him tightly. उसे पकड़ कर रहिए. Don't look here and there. आप यहाँ वहाँ मत देखते रहिए. Shall I watch this program? क्या मैं ये प्रोग्राम देखूं या नहीं? That one. या वो प्रोग्राम देखूं? No, only look to the word of God. नहीं, केवल परमेश्वर के वचन को देखो, प्रभु के वचन को. Through that, और इसी के द्वारा the Lord will speak to you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा. Cling on to him tightly through prayer. प्रार्थना के द्वारा आप उसे कसकर पकड़े. Prayer and Bible reading is very essential. प्रार्थना और बाइबल पढ़ना बहुत ही जरूरी है. When you are doing it carefully, जब आप बड़ी सावधानी से इसे करते हैं, the Lord will be pleased with you. तो परमेश्वर आपसे खुश होगा. Every day of this month, इस महीने के हर एक दिन में, carefully do this, my brother, my sister. मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बड़ी Every day will be a blessing to you. तो हर एक दिन आपके लिए आशीष. Finally, और फिर अंत में, the Lord says, प्रभु ने कहा, I will bless her or bless him with a crown of glory. मैं इसे महिमा के मुकुट के द्वारा आशीष दूंगा. How many of you believe that you are going to get that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप ये पाएंगे? What a pleasant life to have that! और ये जीवन, ऐसा जीवन पाना कितनी अद्भुत बात है! Oh, if you please God, कि परमेश्वर को प्रसन्न करें, if you live a righteous life, कि धार्मिकता का जीवन जिए, if you are away from all the sins of the world, अगर आप संसार के सारे पापों से दूर हैं, you'll become a new person, तो आप नए व्यक्ति हो जाएंगे. Lord will be pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा. He'll say, और ये कहेगा, I want to have my daughter always with me. मैं चाहता हूँ मेरी बेटी हमेशा मेरे साथ. My son always with me. मेरा बेटा हमेशा मेरे साथ. What a glorious life it's going to be. ये सच में कितना महिमा में जीवन होगा. So as you are starting this month, November, और इसलिए जैसे आप इस नवंबर महीने की शुरुआत कर रहे हैं, receive this blessing every day. तो हर एक दिन ये आशीष पाइए. The whole of this month, इस पूरे महीने भर, you may be going through sufferings. शायद आप दुखों में से जा रहे हैं. Deceive. आप इसी धोखे में से जा रहे हैं. Many odd things. और बहुत सी अजीब सी बातों से जा रहे हैं. दर्ददायी पीड़ा. When you have Jesus in you, और आप में अगर यीशु है, when you allow him to go before you, जब आप उसे अपने आगे आगे जाने देते, when you are possessed with him, जब आप उससे भर जाते हैं, by seeking him in prayer, प्रार्थना में उसे ढूंढने के द्वारा, oh, you are going to be blessed with a crown of glory. तो आप निश्चय महिमा के मुकुट से आशीष पाएंगे. Hallelujah. Hallelujah. Are you going to receive it? क्या आप उसे पाएंगे? Are you going to follow his footsteps? क्या आप उसके पद चिन्हों पर चलेंगे? Kneel down. आप घुटने टेकेंगे. Let us commit our lives to him. आइए अपना जीवन उसे सौंपें. Hallelujah. Hallelujah. Our precious heavenly Father. हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता. Thank you, Lord, for your wonderful love. तेरे अद्भुत प्रेम के लिए धन्यवाद. You love your children. तू अपनी संतानों से प्रेम करता है. Thank you for your love. तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद. In this world, nobody can love us in that way as you love, O Father. और हे पिता, जैसे तू हमसे प्रेम करता है, संसार में हमसे कोई प्रेम नहीं कर your सकता. Your love is supreme. तेरा प्रेम तो सबसे उत्तम है. You are our good shepherd. तू हमारा अच्छा चरवाहा है. Oh, what a great thing to have you as our good Lord. हमारे भले परमेश्वर के रूप में तेरा होना हमारे लिए कितनी अद्भुत बात है. And good shepherd. तू अच्छा चरवाहा है. Father, even now, और अभी इस समय along पिता, with your children, तेरी संतानों के साथ, we commit all our lives into thy feet, Master. हम अपने जीवन को तेरे चरणों पर रख देते हैं. Guide us and lead us in a beautiful way. प्रभु, बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर. Guide your children in a beautiful way. अपनी संतानों को सुंदर तरीके से अगुवाई कर. Let them not think all the things, who is there to help me, who will guide me, and all those things should not come into the
hearts. और ये कभी ये न सोचे कि कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, ये इनके दिल में ना आने पाए. Let them believe you. ये तुझ पर विश्वास कर. You are a savior. तू उद्धारक है. Let them all have this experience of salvation. और ये सब जो है उद्धार के अनुभव को पाए. Let them all call you Jesus, Abba Father. ये सब तुझे पुकारे यीशु, तुझे अब्बा पिता कहे. Give them all your grace. तू इन्हें अपना सारा अनुग्रह. Right now. अभी इसी समय. Those who are committing sins even now. जो अभी भी पाप करते आ रहे हैं. Those who are addicted to various kinds of sin. और जो लोग अलग-अलग तरह के पाप के लिए आदि हैं. Have mercy upon them, Father. इन लोगों पर दया कर पिता. Have mercy. इन लोगों पर दया कर. Right now. अभी इसी समय. Cleanse them, Father, with your blood which you shed on the cross. इन्हें अपने लहू के द्वारा जो तूने क्रूस पर बहाया उसे शुद्ध कर. Cleanse every such people. ऐसे हर एक व्यक्ति को शुद्ध कर. They are crying. ये पुकार रहे हैं. Father, forgive me. हे पिता मुझे क्षमा कर. Cleanse them, Father. हे पिता इन्हें नया जीवन दे. Let them all accept you as their shepherd. और ये सब तुझे चरवाहे के रूप में स्वीकार. As a good shepherd. एक अच्छे चरवाहे के रूप में. Father. हे पिता. You are a good shepherd. तू अच्छा चरवाहा है. Guide them also. तू इनका भी मार्गदर्शन. Guide them every day. हर एक दिन इनका मार्गदर्शन. The whole of this month you have to guide them. पूरे महीने भर इनका मार्गदर्शन कर. Take away all the problems they are facing. और प्रभु ये जो भी समस्या का सामना कर रहे हैं उसे दूर कर. Father, help them, Lord. हे पिता इनकी मदद कर. You be with them. तू इनके साथ में हो. Yes, as they cry unto thee. और जैसे ये तुझे पुकारते हैं. Lord, be with them and help them, Lord. हे प्रभु तू इनके साथ हो, इनकी मदद कर. Let them not committing sins again and spoiling their life. ये बार-बार पाप करके अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें. Once for all, let them be cleansed by the blood of Jesus Christ. एक बार सदा के लिए प्रभु यीशु के लहू से ये शुद्ध किए जाएं. और इनका चरवाह हो जा. Lord, show them love, Father. और हे पिता भी तू इन्हें दिखा. They need love. इन्हें प्रेम चाहिए. Your love. आपका प्रेम चाहिए. Your divine love. और प्रभु तेरा अलौकिक प्रेम चाहिए. Fill them, Lord, with that love. उस प्रेम से इन लोगों को भर दे. With that love. इस प्रेम से प्रभु. Father, let them be blessed by the way in which you take them in their lives, in the day-to-day lives. और हे पिता इनके प्रतिदिन के जीवन में तू इन्हें आशीष दे. Give them your guidance, Father. इन्हें मार्गदर्शन दे पिता. Let them have wisdom of God. और ये परमेश्वर की बुद्धि पाए. Let them not rely upon their own wisdom. और ये तो अपनी खुद की बुद्धि पर आधारित ना. Bless them, Lord, with your mighty wisdom. हे प्रभु तू इन्हें अपने महान सामर्थ्य wisdom. बुद्धि से स्वर्गीय बुद्धि से आशीष. Let them walk according to your will. ये तेरी इच्छा के अनुसार चले. Teach them, Lord, your way. प्रभु तो इन्हें अपने मार्ग सिखा. Tell them they have to walk in the ways you follow you. Show them. और प्रभु तो इन्हें दिखा कि जो मार्ग तो इन्हें बताता उसमें इन्हें चलना है. Let them follow only the way you show them to. और प्रभु जिस तरह से तू इन्हें मार्ग दिखाता है उसमें ये चलते जाएं. Hallelujah. Hallelujah. Give them a righteous life through that. इन्हें इसके द्वारा धार्मिकता का जीवन दे. The whole of this month. इस पूरे महीने में. Every day. हर एक दिन. Let them walk in the righteous way. ये तो धार्मिकता के मार्ग में चलते जाएं. Let their names be written in the book of life. और इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं. Do this to all these people who are watching, Master. और हे स्वामी जो लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं सभी के साथ ऐसा ही. Forgive all their hard hearts. इनके सारे कठोर दिल को क्षमा कर दे. Let them become your children. और ये तेरी संतान हो जाए. Lead them and guide them. तो इनका मार्गदर्शन कर, अगुवाई कर. All of this month, November, should be a blessed month for all your children. और ये पूरा महीना जो नवंबर महीना तेरी सारी संतानों के लिए आशीष का महीना. Thank you, Lord, for hearing this simple prayer. प्रभु इस सरल प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद. And answering this prayer. और इस प्रार्थना का उत्तर दे रहा है इसलिए धन्यवाद. In Jesus name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. My precious brothers and sisters. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों. And my little children. और मेरे प्यारे बच्चों. Have you committed your life before this good shepherd? क्या आपने अपना जीवन इस अच्छे चरवाहे के सामने समर्पित किया है? No, 20% or 40%. 20%, 40%. Full 100%. पूरा 100%. 100% dependence upon this God. 100% इस परमेश्वर के ऊपर आधारित. Who can give this blessing? कि जो अपने हमें ये आशीष दे. Who can give you the crown of glory? जो हमें महिमा का मुकुट दे सकता है. What a glorious thing it is to receive this crown of glory from the Lord God Almighty every day of this month. इस महीने के हर एक दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से आशीषों को पाना कितनी अद्भुत बात है. We are going to be blessed every day. आप हर एक दिन आशीष पाएंगे. But learn to obey God. लेकिन प्रभु की आज्ञा मानना सीखिए. Learn to follow His instructions from the Bible. बाइबल में से परमेश्वर के निर्देश पाने का आप सीखते जाएं. Learn to give thanks to Him for everything. हर एक बातों के लिए आप उसे धन्यवाद देना सीखिए. For your food. आपके भोजन के give लिए. Give thanks. आप धन्यवाद दें.
For everything you receive from him, give thanks. और हर एक बात जो आप उससे पाते हैं, आप उसे धन्यवाद दें। That way, और इस तरह से, you will be pleased. आप उसे प्रसन्न करेंगे। You will be pleasing the good shepherd. और आप उस अच्छे चरवाह को प्रसन्न करेंगे। He'll surely give you the crown of glory. और वो आपको महिमा का मुकुट देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। बच्चे हैं प्रतिवर्ष आपके सहयोग से शीशा इनको नए कपड़े मुहैया कराता है और इनको खुशी देता है। क्या इस साल भी आप शीशा के माध्यम से बच्चों के लिए नए कपड़े मुहैया कराएंगे? एक बच्चे को नए कपड़ों का एक सेट उपहार देने के लिए क्या आप 500 रुपए की सहायता देंगे? क्या आप अभी इस नंबर पर कॉल करेंगे? फोन करें 0446666000 पर और शीशा के माध्यम से इन बच्चों की सहायता करें।